वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग विद फिरौनिया। तो आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वीडियो रहेगा। तो ये उल्वे यानी नवी मुंबई में एक छोटा सा प्लेस आता है उल्वे। तो यहाँ का नाइट व्यू और स्ट्रीट फूड में दिखाऊंगी जो हम लोग रेगुलरली खाते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो उल्वे जो नवी मुंबई में है, बहुत प्यारी जगह, यहाँ का व्लॉग बनाते हैं, स्पेशली नाइट वाला। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत पीसफुल सा एरिया है। एंड आपको पता है ये उल्वे अभी क्यों फेमस है? अटल सेतु जो ब्रिज बना है, एशिया का सबसे बड़ा वाटर, मतलब पानी के ऊपर से जाने वाला ब्रिज जो है, तो मेन इसलिए है। तो अभी तो आपको पता है ना, कुछ दिन पहले मोदी जी ने यहाँ का इनॉग्रेशन भी किया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। तो बस यहाँ से हम निकले, सेक्टर 17 था, तो सेक्टर 17 में से यहाँ पे देखा ये प्लांट्स वाले थे। तो यहाँ पे मिट्टी के बने हुए बर्तन थे, तो मुझे ना ये दही रखने वाला, एंड ये देखिए कितना प्यारा सा दही रखने वाला है, और एक सुराही बोलते हैं, एक एज अ शो पीस मुझे वो लेनी थी चीज़, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने यहाँ से परचेज़ किया। एंड देखा उल्वे ना अभी करेंटली बहुत डेवलप्ड हुआ है एंड बहुत एक्चुअली पीसफुल सी जगह लगती है। हम लोग यहाँ पे अभी कितने साल से हैं एंड यहाँ से एक्चुअली ना यहाँ पे बिकॉज पास में ही समुंदर पड़ता है एंड बहुत बोलते हैं ना इधर क्लीन सा है। एंड वैसे भी नवी मुंबई काफ़ी क्लीन है एंड यहाँ पे उल्वे में हर एक चीज़ आपको अवेलेबल है, लाइक हर एक चीज़। ये देखिए ये लेफ्ट में जो है ना एक छोटा सा लेक है, यहाँ पे वॉक करने के लिए पार्क भी बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं जाती हूँ वॉक करने के लिए कभी कभार। एंड ये देखिए यहाँ पे सब चिकन, वेजिटेबल्स ये सब मिलता है। एंड ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे मिलती है उल्वे में, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ एग्जैक्टली। देखिए बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े शोरूम्स भी है, अभी लेंसकार्ट का है एंड मतलब हर एक चीज़ जो चाहिए अवेलेबल यहाँ पे, सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा आपको, किधर बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इवन बिल्डिंग सोसाइटीज़ भी बहुत पॉश है। तो ये वाला जो है यहाँ पे देखना, सारे शॉप्स एंड इतना भी क्राउडेड नहीं है, बट रात को वैसे भी मुंबई रात को बहुत प्यारी लगती है। और मैं डे का भी वीडियो बनाऊंगी इसकी, डे का और यहाँ का वो अटल सेतु ब्रिज जो है वो वाला, तो वो सब मैं बनाऊंगी। पर फिलहाल सोचे ना, हम लोग नॉर्मली क्या है, बाइक लेके शाम को निकलते हैं, यही वाला रूट रहता है जहाँ से ना घूमते हैं एंड चलो कभी कभार हल्का फुल्का लाइक स्नैक्स वगैरह कुछ चीज़ें खा लेते हैं, जो मुझे यहाँ की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड ये जो पॉइंट है ना, ये मेन पॉइंट आता है यहाँ पे ना, ये देखिए ये मेन बिल्डिंग से आ जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी पब्लिक रहती है बिकॉज ये इधर स्ट्रीट फूड काफ़ी अवेलेबल है, ये वाले रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है एंड ये थोड़ा क्राउडेड इसलिए रहता है। एंड ये देखिए यहाँ पे वाइन शॉप है, इवन द लिकर शॉप, इतना पॉश काइंड ऑफ लिकर शॉप बना है ना यहाँ पे, सब बहुत ज़्यादा अच्छा है, हर एक ब्रांडेड चीज़ अवेलेबल है। इवन मैं लिकर की बात करूँ, इवन ब्रांडेड चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो एंड ना यहाँ के फ्लैट्स भी जो है बहुत स्पेशियस है, मतलब अगर बॉम्बे साइड जाओगे काफ़ी एक्सपेंसिव भी है प्रॉपर बॉम्बे साइड, एंड फ्लैट्स भी बहुत छोटे छोटे मिलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लैट चाहिए तो मुंबई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इस एरिया में फ्लैट्स भी इवन लाइक इतने भी सस्ते नहीं है, बट या अच्छा है, अफोर्डेबल है, बट काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी बड़े बड़े, मतलब अच्छे है, बहुत ज़्यादा क्लीन। एंड यहाँ पे देखिए एसी बस भी स्टार्ट हुई है। एंड जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये वाली सिडको के बिल्डिंग्स है, ये जो स्टेशन के बाहर आता है, ये व्यू इतना प्यारा लगता है। देखिए रोड्स भी इतने क्लीन है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। ये हमारा रेगुलर कभी बोर किए ना, ये वाला पूरा उल्वे में ना यहाँ पे हम लोग घूम लेते हैं, प्रॉपर उल्वे में ना। यहाँ पे दो अभी फ़िलहाल तो चलो दो स्टेशन है, एक बामन डोंगरी आता है, एक हारको पर आता है, बट ऐसे तो बोलता है, मतलब ऐसे नॉर्मली बोला जाता है कि उल्वे ही बोला जाता है। तो ये नेरुल के बस पास में पड़ता है, जब उरन जाते हैं ना हम लोग वहाँ पर उसी रास्ते में पड़ता है। ये देखिए रिलायंस की बिल्डिंग है, ये अभी यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट बनने वाला है जियो का, तो ये दोनों साइड। एंड ये वाला जो लेन है यहाँ पे सब ये नाइट में ना नॉर्मली कभी कोई
बैडमिंटन खेलता है, यहाँ पे बच्चे स्केटिंग प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो फिलहाल थोड़ा लेट हो गया था तो सब बच्चे चले गए थे, वॉक के लिए लोग आते हैं। एंड यहाँ पे देखना ना सारा कितना प्यारा है, ऐसे नॉर्मली बनाया गया है पब्लिक प्लेस में ये एक्सरसाइज सब करने के लिए। तो ये ना एकदम अंधेरा वाला रास्ता उससे बहुत आगे, क्योंकि इसके बाजू में ना समुंदर पड़ता है तो क्रीक आता है एग्जैक्टली। एंड ये शिव जी का टेम्पल है तो ये वाला रास्ता रात को काफ़ी डरावना लग रहा है, बट है बहुत प्यारा एंड काफ़ी ऐसे एक एडवेंचरस, यू नो समथिंग डिफरेंट यहाँ पे फील होता है, एकदम मिनी जंगल वाली फीलिंग आती है। देखिए ना बाजू में भी ना आई थिंक मुझे पता नहीं है क्या चीज़, बट यहाँ पे से लाइक समुंदर का ही पानी आ रहता है। तो राइट साइड में पूरा पानी है, इवन लेफ्ट साइड में कंप्लीट समुंदर है, वो जो आता है लेफ्ट में फुली समुंदर है एंड ये भी समुंदर है। एंड जो उधर लाइटिंग देख रहे हो ना दूर दूर, वो बेलापुर और सब चीज़ें, वाशी बेलापुर वो सब दिखता है। तो ये हम लोग उल्वे का थोड़ा एंड आ गए, बच्चे देखो ना स्केट कर रहे हैं। तो ऐसे चलो रात को ना वैसे लोग काफ़ी मतलब एंजॉय भी करते हैं, वॉक करते हैं, अपने डॉग्स को घुमाने लेके आते हैं। एंड यहाँ पे ना लोग थोड़ा लेट से ही सोते, तो नाइट में क्या है यहाँ पे कितना भी, अभी आई थिंक इस टाइम पे 10:30 समथिंग हो रहे थे, फिर भी देखिए पब्लिक भी रहती है काफ़ी, सब खुला रहता है तो समथिंग अलग ही रहता है। ये कंस्ट्रक्शंस लेबर्स आई थिंक वहाँ पे जो जो काम करते हैं, बिकॉज न्यूली कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो सब चीज़ें यहाँ पे बनती जा रही है, तो काफ़ी नए नए बिल्डिंग्स बन रही है, काफ़ी चीज़ें नए नए बन रही है। जैसे मैंने बोला बिल्डिंग्स भी काफ़ी पॉश है। जो अभी ये एरिया जो आया ना ये थोड़ा क्राउडेड है, बिकॉज यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट पड़ता है, ये शगुन वाला पॉइंट आता है ना, तो ये मेन सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी शॉप्स है। एंड ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना गामी वाली, ये भी काफ़ी फेमस है। देखिए अभी जस्ट आएगा ना ये शगुन वाला जो चौक है वो है एग्जैक्टली। तो बस यहाँ से गए तो ये देखिए एसी बस स्टार्ट हो गई है सब, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफ़ी डेवलप्ड है ये जगह, ऐसा नहीं कि चलो बहुत टाउन टाइप का है, ऐसे कुछ नहीं। यहाँ पे मैं पानी पूरी खाई तो ये वाला ना कोलकाता पानी पूरी मतलब है वो, बहुत मुझे मतलब यहाँ ये वाला पानी पूरी बहुत टेस्ट लगा, हमेशा खाती हूँ। तो सोचा कि चलो एक्सप्लोर ही करना है फूड वाला, तो चलो पानी पूरी से स्टार्ट करते। इवन पानी खट्टा खट्टा स्पाइसी बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो आप लोग जो उल्वे में रहते हो ना या बाहर भी रहते हो कभी आओगे ना, इनका पानी पूरी आप ज़रूर टेस्ट करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत पसंद आएगा। ये जस्ट शगुन चौक है ना बस सामने, ये आपको दिख जाएगा। तो मैंने उनसे बात की, टेस्ट वहाँ का है ना, बिकॉज बहुत डिफरेंट है, उल्वे में ऐसा वाला नहीं मिलता पानी, आपको पुरोलो में टेस्ट नहीं मिलेगा। पूरी भी अलग है, पूरी भी हाथ से खुद बनाते हैं। अच्छा घर पे बनाते हो ये सब? हाथ से बने रवे आटे की मिक्स है। अच्छा एंड क्या क्या मतलब वो नॉर्मल पानी नहीं, ये प्रॉपर इमली पानी, इमली वाला पानी रहता है ना खट्टा पानी, आप दिखाओ ना सर। प्रॉपर इमली पानी इसमें जो आता है ना खट्टा टाइप का, इमली पानी है ये, प्योर इमली पानी है, बनाया भी अच्छे से ना हांडी टाइप में रखा हुआ है इमली पानी। यहाँ एक फ्लेवर है वो, इसमें चटनी नहीं रहता, खाली मीठा पानी आता है, मीठा पानी है, टोटल मीठा पानी है। अच्छा मीठा वाला ना, इसमें चटनी नहीं आता, इसका मसाला फ्रेस्ट मसाला ही है, सबसे फ्रेस्ट मसाला ही है। ओके ये इसमें बहुत टेस्ट मसाला है, आपको ये इसी वजह से डिफरेंट सा टेस्ट आता है ना इसका, इससे ये मसाला तो हाथ खुद से बनाते हैं मसाला। अच्छा ये वाला ना दुकान से नहीं लाते, दुकान से मिक्स करके ही बनाते हैं अपना, ये सबसे कोलकाता का बेस्ट। और कितना कैसा प्लेट है? 20 है ना सर, और बाकी भी चीज़ें मिलती है ना आपके? बाकी चीज़ मिलती है ना, पानी पूरी है, मसाला पूरी है, दही पूरी भी है, सेव पूरी है, सब ना चुरमुर है, सब बनाते हैं ना, बिल्कुल कोलकाता का प्रॉपर सब बनाते हैं, मुंबई से अलग है। हाँ मैंने खाया ना मुझे अलग लगा, सबसे अच्छा टेस्ट है, कोलकाता का अलग है, फेमस है पानी पूरी ये, यहाँ का बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं पानी पूरी खाने के। अच्छा ठीक है भैया चलो, हाँ थैंक यू। बस पानी पूरी खा के निकले सेक्टर 19 की तरफ। यहाँ पे शॉर्मा ये वाले एरिया में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो ये देखिए शॉर्मा ये वाला जो है ना सेक्टर 19 में, यहाँ पे मस्जिद के पास में पड़ता है। तो यहाँ ऐसे तो सब जगह पे आपको मिल जाएगा, उल्वे में बहुत सारी जगह जहाँ पे शॉर्मा कॉमन चीज़ है, बट मुझे यहाँ वाला थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगा। चिकन का क्वान्टिटी भी अच्छा खासा डाल देते वैसे ये अच्छा है। एंड इनके शॉप पर ना आपको सिर्फ शॉर्मा नहीं कबाब्स भी मिलते हैं एंड चाइनीज़ भी मिलता है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है।
तो फिलहाल मैं सोची कि ऑलरेडी मैं क्या खाना खा के हाई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा 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 सब टेस्ट करके मैं दिखाऊं आपको, एक्सप्लोर करूं यहाँ का स्ट्रीट फूड। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है उलवे में, हर एक चीज़ मिलती है खाने पीने की, काफ़ी चीज़ें थी एक्सप्लोर करने के लिए। बट प्रॉब्लम ये कि वो काफ़ी लेट भी हो गए थे एंड पेट में इतनी जगह नहीं थी कि चलो खा के मैं हर एक चीज़ दिखाती, तो इसलिए बस कुछ मेन चीज़ें थी मैंने आपको मतलब शो किया। तो यहाँ से लिया था शॉर्मा एंड आप सबको तो पता ही एग्जैक्टली शॉर्मा क्या होता है, ये अपना प्रॉपर इंडियन वाला तो डिश नहीं है ये, तो ये मिडिल ईस्टर्न साइड का होता है एग्जैक्टली। तो ये जो होता है इसको खापूस बोलते हैं आई थिंक, या इस खापूस। सो इसके ऊपर मेयोनीज लगाया जाता है एंड जो जो चिकन है जिसको ऑलमोस्ट लाइक बारबेक्यू ही समझो इसको, देखो ना उसे आग चल रहा है, बारबेक्यू सक करके इसको प्रॉपरली मैरिनेट करके ना इसको अच्छे से चिकन में कोई भी आप पकड़ो कैबेज हो गया, कैरेट्स को डालता है, बीटरूट डालता है, सब डाल के अगेन सॉस डाल के फिर मायो डाल के वेजीज एंड जो फ्राइड पोटैटोज लाइक फ्राइज होते हैं वो वाला डाल के फिर इसको एक रैप सा बना के दिया जाता है एंड इट्स रियली 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 सो यम्मी। आप ना खाओ यहाँ का एंड मैं तो बोलती हूँ ना ये वाली तो चलो मैं हाईलाइट कर रही हूँ एंड वैसे तो सब जगह पे ही अलग अलग टेस्ट आता है शॉर्मा का, तो अपना अपना अलग टेस्ट होता है एंड दिखने में जितना यम्मी लग रहा है ना वो खाने में तो उससे ज़्यादा भी टेस्टी था। यहाँ से फिर मैंने ये खाया एंड आपको मैं शॉप का भी नाम बताऊँगी, ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट कम शॉप बोल सकते हो लाइक, बिकॉज यहाँ पे केटरिंग सर्विसेज भी होते हैं एंड ये लोग केटरिंग सर्विसेज का कुछ बर्थडेज कुछ छोटे मोटे फंक्शन कुछ भी हो ना यहाँ का केटरिंग सर्विस भी अच्छा है, काफ़ी बिरयानी भी मिलती है, हर एक चीज़ आप ऑर्डर पे भी बनवा सकते हो। तो ये भैया ने दिया शॉर्मा, मैंने फिर टेस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो मैं ज़्यादा नहीं खा पाई बिकॉज एज आई सेड मैं ऑलरेडी खाना खा के आई थी। ये देखिए तो ये मैं शॉप का नाम आपको बताऊँगी, ये इसका नाम ये भी बस मस्जिद है ना, मस्जिद के जस्ट सामने आता है जो सेक्टर 19 वाला जो मस्जिद एरिया जो मुस्लिम एरिया आता है ना ये वहाँ का, एंड ये वैसे भी मुस्लिम एरियाज का आप खाना खाओ कोई स्ट्रीट फूड काफ़ी टेस्टी होता है एंड वहाँ का थोड़ा माहौल भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा प्रॉपर वो बॉम्बे साइड वाली फीलिंग आती है ना, एकदम स्ट्रीट फूड बन रहा है ना, ऐसे मुगलाई डिशेस ज़्यादा बनती है। तो देखिए शॉप का नाम है एवन फूड कॉर्नर, एज ए सेड जस्ट मस्जिद है सामने उसकी के बस रोड क्रॉस करके बस सामने ही है। तो ये देखिए ये सेक्टर 19 वाला एरिया आता है। तो बस जी यहाँ से मैं खाई एंड मैं और मेरे हस्बैंड एक जगह पे गए जो बहुत स्पेशल है एंड यहाँ पे मिलते हैं कबाब्स एंड यू कांट इमेजिन यहाँ पे इतना सस्ता है ना ये वाला छोटा सा स्टॉल है, ये भी बस मस्जिद के जस्ट सामने वो जैसे रोड क्रॉस करके था ना ये सामने है, तो वहाँ पे दो शॉप्स है, तो एक आता है पहला वाला शॉप यहाँ पे छोटा सा बच्चा है ना उसके डैड का ही है, कबाब पाव 15 सिंगल 10 का कबाब पाव ये भी है 15 का। अच्छा ये अलग अलग है कि सेम है, ये अलग अलग है, अलग है ना सेम। अच्छा और ऊपर ये तंदूरी 80 का या 90 का और ये ले गए। अच्छा और क्या क्या मिलता है तुम लोगों के पास? गांडी मिलता है, लॉलीपॉप मिलता है और शाही रोल मिलता है, शाही रोल ना और सीख मिलता है। अभी फिलहाल तो चलो खत्म हो गया ना, जो स्टिक वाला है वो खत्म है, सीख कबाब भी है ना इधर सब, सीख वाला कितने कितने के हैं? सीख कबाब 40 के। अरे तुम्हारा फुटता ही है ना, मतलब फुटता ही स्कूल जाते हो ना शाम को, मतलब क्या पापा को हेल्प करते हो? तो ये छोटा सा बच्चा बेच रहा है, देख के बहुत अच्छा लगा एंड इस बच्चे की वजह से एक्चुअली हम लोग जाते हैं यहाँ पे एंड मतलब ये तो चलो स्कूल करके फिर शाम को अपने पापा को हेल्प करता है, चलो अच्छी बात है, इनका खुद का ही है ये स्टॉल। तो ये कबाब ना चिकन वाले इतने सस्ते जस्ट फॉर 15 रुपीज़ यू नो कबाब पाओ,
एंड ऐसे नहीं कि सस्ता है तो मतलब अनहाइजेनिक, ऐसे कुछ नहीं, बहुत टेस्टी है एंड बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है। ये सबसे मिनिमम वाला है एंड थोड़े थोड़े जैसे जैसे है इनके पास ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है, सीख कबाब ही वो काफ़ी चीज़ें, चिकन साटे ये सब मिलते हैं। थोड़ा उनका प्राइसेस डिफरेंट है पर यस बहुत ज़्यादा सस्ता है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आके ट्राई करना। मुझे ये वाला मैंने देखा कबाब पाव खा के, जस्ट ऑसम, और हमेशा खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप खाओगे ना आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतना भी सस्ता कुछ मिलता है एंड वो भी इतना टेस्टी। एंड बस मैंने खाया एंड सोचा चलो अभी यहाँ से जो खा ली अभी, और तो ज़्यादा खाने के लिए पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बस थोड़ा थोड़ा टेस्टिंग करके। नहीं तो और भी यहाँ पे जगह थी, लाइक और भी काफ़ी प्लेसेस है यहाँ पे ताकि मैं एक्सप्लोर करती। अभी बंद भी हो गया था, काफ़ी लेट हो गए थे तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। नहीं तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे स्पेशली फूड के लिए। तो यहाँ से आगे आ गए, ये है ना स्टेशन, बामन डोंगरी स्टेशन है उलवे में, जैसे बताया ना मैंने बामन डोंगरी आता है खारको पर। यहाँ पे ना नज़ारा इतना प्यारा होता है, हम लोग भी कभी कभी वॉक करके आते हैं, लेकिन यहाँ पे रात के टाइम लोग वॉक करते हैं, ऐसे कोई गप्पे लड़ाने के लिए आता है, बैठ जाते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं, कोई यहाँ पे क्रिकेट खेलता है, कोई बैडमिंटन, कोई यू नो सम हैंडबॉल समझो, वॉलीबॉल खेलने के लिए आते हैं, बच्चे भी यहाँ पे खेलते हैं। तो रात का भी ना इतना लेट हो गया था फिर भी यहाँ पे देखे ना पब्लिक काफ़ी है एंड बहुत सेफ प्लेस है। ये देखिए ये वाला जो है ये आई थिंक कुछ फंक्शन हॉल काइंड ऑफ थिंग बना है, अभी तक पूरा बना नहीं है, ये अभी ओपन भी नहीं हुआ है, भूमिपुत्र भवन करके। तो ये भी बहुत बड़ा है एंड बहुत अच्छा है, तो अभी अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है, ओपनिंग तो हुई नहीं अभी। तो ये वाला एरिया जो आ रहा है ना, ये आता है ऑलमोस्ट सेक्टर 18 वाला एरिया आ रहा है अभी बस। ये भी काफ़ी अच्छी जगह है, देखिए जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है जो चाहिए। एंड सी यहाँ पे क्रोमा है, यहाँ पे रिलायंस वाला भी था, ट्रेंड्स है एंड खाने पीने की चीज़ें तो मैंने बोला बहुत, KFC है और सबवे, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड ये वाला एक ये देखिए जो सामने पुल दिख रहा है, आगे वो स्टेशन आता है, वो पुल जो दिख रहा था वो रेलवे वाला ट्रैक्स है। और यहाँ पे देखिए इस तरफ सबवे, तो मतलब पास पास में ही ना, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पास पास में, हर एक चीज़ अवेलेबल है। बस यहाँ से निकले एंड वैसे हल्की हल्की ठंड लग रही थी, वैसे मुंबई में तो ज़्यादा ठंड नहीं होती है। यहाँ की और एक फेमस चीज़ आपको दिखाऊंगी, येवले चाय। ओ ये तो पूरा मतलब बहुत सारी जगहों में, सिर्फ मुंबई में नहीं, मुझे लगता है मुंबई के बाहर भी येवले चाय बहुत फेमस है। इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ है, इवन गुड़ वाली चाय, बहुत सारी वैरायटीज़ है, जो इवन बेसिक वाली चाय भी है ना बहुत डिफरेंट टेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। आप किधर भी जाओगे ना येवले वाली चाय ज़रूर टेस्ट करना, देखिए कितना प्यारा है। तो यहाँ पे आके ना सिर्फ इधर ही नहीं, इनके ब्रांचेस बहुत जगह है, तो ये हमारे पास घर के पास है, नहीं तो यहाँ पे इतना क्राउड होता है ना, बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है। अभी काफ़ी लेट हो गया था करके नहीं थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है। बस देखिए यहाँ पे इनका ना, इन्हीं की ब्रांड का ये लोग काफ़ी अलग अलग चीज़ें बनाते, कुकीज़ बनाते हैं एंड इवन येवले कोल्ड टी, आपने कभी कोल्ड टी पिया है? आई थिंक मिल्क वाली टी है, नॉट दैट काइंड ऑफ आइस टी, यहाँ पे वो अवेलेबल है। इवन लेमन हनी मिंटी है एंड देखिए कितना सारा, इवन चाय में भी कितने अलग अलग टाइप्स के इनके पास चाय है। तो आप यहाँ पे आओगे या कोई भी येवले वाले शॉप पे जाओगे ना चाय वाले, आप ज़रूर चाय टेस्ट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस यहाँ से चाय पी ली एंड चाय पी के जो खाया था ना काफ़ी ज़्यादा एकदम फ्रेश सा हो गया। तो फाइनल चाय पीकर, ये लोग ना बहुत प्यारे से कप में देते हैं, बट जैसे हम लोग लेट हो गए थे तो कप्स ना अभी सब वो ख़त्म हो गए थे, आई मीन वो बंद किया था उन्होंने, वॉश करने डाला था, तो ये वाली पी लिया। फिर ये देखिए ये ना आगे गए यहाँ पे चॉकलेट पान, अपने खाए हुए ना चॉकलेट पान, मीठा पान होता है, बहुत टेस्टी होता है। देखिए ना पूरा अंदर ना इसके अंदर सौंफ, गुलकंद एंड ऐसे सूखा वाला नारियल ये सब मिक्स रहता है एंड ऊपर एकदम ना चॉकलेट में डिप किया रहता है। ओह अभी भी बोल रही हूँ तो मुँह में पानी आ रहा है,
और मेरा तो चॉकलेट बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरी कमज़ोरी है चॉकलेट। तो ये ना चॉकलेट पान फाइनल में घर पे आके मैं सोची खाई, और जैसे खा रही थी मुंह पे सारा चॉकलेट लग गया था ना, छोटे बच्चों की तरह मैं खा रही थी, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा पूरा मुंह पे ना चॉकलेट लग गया। बट बहुत मज़ा आ गया। आप ये वाला एंड इतना एक्सपेंसिव नहीं है, जस्ट 50 रुपीज़ का है ये। आप उलवे में पान शॉप में जाओगे, पान शॉप मतलब कोई टपरी नहीं होती, काफ़ी बड़ा शॉप होता है, वो मैंने दिखाया नहीं, तो वहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटीज़ के बहुत अच्छे अच्छे पान मिल जाते हैं, बहुत टाइप के, मतलब बहुत टाइप के, जो नॉर्मली बच्चे भी कोई भी खा सकते हैं। तो चलिए फिर मेरे चैनल कुकिंग विद विरोनिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड खूब सारा शेयर कीजिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।